हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल आइकन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि इस चैनल में किसी भी तरह की बीमारी को ठीक करने या कम करने के घरेलू और आसान उपाय बताए जाते हैं। भारतीय त्योहारों के बारे में व्रत व उसकी पूजन विधि बताई जाती है, साथ ही यंग और टीनेजर के खुश रहने के लिए कुछ फनी वीडियो भी डाले जाते हैं। सबसे पहले वीडियो की अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करना व साथ ही बेल आइकन दबाना जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं परी एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हरितालिका तीज व्रत के बारे में। हरितालिका तीज का व्रत हिंदू धर्म में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। यह तीज का त्योहार भादों के शुक्ल तीज को मनाया जाता है। खास तौर पर महिलाओं द्वारा यह व्रत को मनाया जाता है। कम उम्र की लड़कियों के लिए भी यह हरितालिका का व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। हरितालिका तीज में भगवान शिव, माता गौरी एवं गणेश जी की पूजा का महत्व है। यह व्रत निराहार एवं निर्जला किया जाता है। रात में जागकर नाच गाने के साथ इस व्रत को संपन्न किया जाता है। आइए जानते हैं कि इस व्रत का नाम हरितालिका क्यों पड़ा। माता गौरी शिव जी को पति के रूप में पाना चाहती थी, इसके लिए उन्होंने कठिन तपस्या की। उस वक्त माता गौरी की सहेलियों ने उन्हें अगवा कर लिया था। इस कारण इस व्रत को हरितालिका कहा गया है, क्योंकि हरत मतलब अगवा करना और आलिका मतलब सहेली, अर्थात सहेलियों द्वारा अपहरण करना हरितालिका कहलाता है। शिव जी जैसा पति पाने के लिए कुंवारी कन्या इस व्रत को विधि विधान से करती हैं। तो आइए जानते हैं कि इस वर्ष हरितालिका तीज कब है और उस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त व समय क्या है। इस वर्ष तीज 24 अगस्त दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। प्रातःकाल पूजा करने का शुभ मुहूर्त है 5:58 से 8:32 तक, यानी 2:35 तक का, और प्रदोष काल यानी शाम के समय पूजा का मुहूर्त है 6:47 से 8:27 यानी 1:39 तक का। तो आइए अब जानते हैं कि हरितालिका तीज व्रत करने के नियम क्या है। हरितालिका व्रत निर्जला किया जाता है, अर्थात पूरे दिन और रात तथा अगले दिन के सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता। हरितालिका व्रत कुंवारी कन्या व सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा किया जाता है। हरितालिका व्रत के दिन पूरी रात जागरण करते हैं। महिलाएं मिलकर नाच गाना व भजन गाती हैं व साथ ही नए वस्त्र पहनकर पूरा श्रृंगार करती हैं। हरितालिका व्रत जिस घर में भी होता है वहां इस पूजा का खंडन नहीं किया जाता, अर्थात एक परंपरा के रूप में इसे प्रतिवर्ष किया जाता है। अब आइए जानते हैं कि इस व्रत को करने में क्या क्या पूजन सामग्री लगती है। बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरे का फल एवं फूल, अकाव का फूल, तुलसी पत्र एवं मंजरी, केले का पत्ता, गीली काली मिट्टी अथवा बालू रेत, सभी प्रकार के फल एवं फूल, जनेऊ, नाड़ा, वस्त्र, घी, तेल, दीपक, कपूर, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, माहौर, मेहंदी आदि मान्यतानुसार एकत्र की जाती हैं। इसके अलावा बाजार में सुहागपुड़ा मिलता है, जिससे सभी सामग्री मिल जाती हैं। पंचामृत, दही, शक्कर, दूध, शहद, अबीर, चंदन, श्रीफल, कलश और विशेष रूप से अनेकों फूलों से सजा हुआ फुलहरा। ये तो हुई पूजन सामग्री। अब आइए जानते हैं कि तीज व्रत में पूजन किस तरह किया जाता है। हरितालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन और रात के मिलने का समय। हरितालिका पूजन के लिए शिव, पार्वती व गणेश जी की प्रतिमा बालू, रेत अथवा काली मिट्टी से हाथों से बनाई जाती है। फुलेरा बांधकर उसे सजाया जाता है। उसके भीतर रंगोली डालकर उसमें पटा अथवा चौकी रखी जाती है। चौकी पर एक सतिया बनाकर उस पर थाल रखते हैं। उस थाल में केले के पत्ते को रखते हैं। तीनों प्रतिमा को केले के पत्ते पर बैठाया जाता है। सर्वप्रथम कलश बनाया जाता है,
जिसमें एक लोटा या घड़ा लेते हैं, उसके ऊपर श्रीफल अथवा एक दीपक जलाकर रखते हैं, लोटे या घड़े के मुंह पर लाल धागा बांधते हैं, सतिया बनाकर उस पर अक्षत चढ़ाया जाता है, कलश का पूजन किया जाता है, सबसे पहले जल चढ़ाते हैं, धागा बांधते हैं, कुमकुम हल्दी चावल चढ़ाते हैं, फिर फूल चढ़ाते हैं, कलश के बाद गणेश जी की पूजा की जाती है और उसके बाद शिव जी की पूजा की जाती है और उसके बाद माता गौरी की पूजा कर उन्हें संपूर्ण श्रृंगार चढ़ाया जाता है। उसके बाद हरितालिका की कथा पढ़ी जाती है, फिर सभी मिलकर आरती करते हैं, जिसमें सबसे पहले गणेश जी की आरती, फिर शिव जी की और उसके बाद माता गौरी जी की आरती की जाती है। पूजा के बाद भगवान की परिक्रमा की जाती है, रात भर जागकर 5 बार पूजा व आरती की जाती है। सुबह आखिरी पूजा के बाद माता गौरा को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है, उस सिंदूर से सुहागन स्त्री सुहाग लेती है, ककड़ी एवं हलवे का भोग लगाया जाता है और उसी ककड़ी को खाकर व्रत तोड़ा जाता है। अंत में सभी सामग्री को एकत्र कर पवित्र नदी या कुंड में विसर्जित कर दिया जाता है। बहनों, ये तो ही पूजा विधि। अब आइए जानते हैं कि इस व्रत की कथा क्या है। माता गौरा सती के बाद हिमालय के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही माँ पार्वती शिव जी को वर के रूप में पाना चाहती थी, जिसके लिए पार्वती जी ने कठोर तप किया। उन्होंने कड़कती ठंड में पानी में खड़े होकर पूजा किया, गर्मी में यज्ञ के सामने बैठकर यज्ञ किया व बारिश में जल में रहकर कठोर तपस्या की। 12 वर्षों तक निराहार पत्तों को खाकर पार्वती जी ने व्रत किया। उनकी इस निष्ठा से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने हिमालय से पार्वती जी का हाथ विवाह के लिए मांगा, जिससे हिमालय जी प्रसन्न हुए और पार्वती जी से विवाह की बात बताई। यह सुनकर पार्वती जी दुखी हो गई और अपनी व्यथा अपनी सखी से कही, साथ ही जीवन त्याग देने वाली बात भी उन्होंने अपनी सखी से कही, जिस पर सखी ने कहा कि यह वक्त ऐसी सोच का नहीं है और सखी पार्वती को हर कर वन में ले गई, जहां पार्वती जी ने छिपकर तपस्या की और तब पार्वती जी को शिव जी आशीर्वाद देते हुए पति के रूप में मिलने का वर दिया। हिमालय ने बहुत खोजा पर पार्वती ना मिली। बहुत वक्त बाद जब पार्वती मिली, तब हिमालय ने इस दुख और तपस्या का कारण पूछा, तब पार्वती जी ने अपने दिल की बात अपने पिता से कही। इसके बाद पुत्री हट के कारण पिता हिमालय ने पार्वती जी का विवाह शिव जी से तय किया और तब से हरितालिका का व्रत अच्छा वर और अच्छा जीवन साथी पाने के लिए मनाया जाता है। बहनों, आपको मेरे द्वारा दी गई व्रत की जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की अलग अलग जानकारी मैं आप तक पहुंचाती रहूं। मिलते हैं एक नए वीडियो व एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।